बहुत साल पहले प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था प्रताप सिंह। राजा बहुत अच्छे शासक थे। उनके चिंता का कारण था उनकी दो रानियां और दो राजकुमार। दोनों राजकुमार बहुत अत्याचारी थे, इसीलिए राज्य में उनके खिलाफ बहुत शिकायतें थी। महाराज, राजकुमार वीर सिंह ने हमारे खेत को नष्ट कर दिया है और खेत की सारी फसलें खराब कर दी है। महाराज, आप कुछ ना कुछ कीजिए महाराज, वो हमें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। कुछ तो करेंगे। दया करके हमें बचा लीजिए महाराज, रोज रोज का ये अत्याचार हम सह नहीं पा रहे हैं महाराज। इन दोनों के कारण तो मैं परेशान हो चुका हूँ। शरबत पी लीजिए महाराज, आपने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे दोनों बेटे राजा बनने के योग्य नहीं हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन इनमें से ही मुझे तो किसी को राजा बनाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है। हे रानी, तुम कहाँ चली गई? तुम्हें मैंने घर से निकाल दिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज तुम रहती तो जरूर मदद करती। महाराज, आपके खाने का समय हो गया है। हाँ, आता हूँ मैं। आज तो मैं उस बंदर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे रे रे, तुम मुझे मार क्यों रहे हो भाई? अरे, ये बंदर तो बोल भी सकता है, ये तो मजे की बात तुम्हारे है। तुम्हारे लिए तो मजा है, लेकिन मेरे लिए तो सजा है। तू बात करना कहाँ से सिखा रहे? मैं तो बचपन से ही बात करना जानता हूँ। इसे तो पकड़ना ही पड़ेगा और जाके चिड़ियाघर में बंद करके रख दूंगा। ए भानु, उस बंदर को मैंने पकड़ा है। कोई बात नहीं, लेकिन पहले देखा तो मैंने है ना। मुंह संभाल कर बात कर भानु, आगे चलकर इस राज्य का मैं राजा बनने वाला हूँ। राजा और प्रजा। मैं राजा बनूंगा, मैं, समझा? राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। आता हूँ, तुम जाओ। ठीक है, पहले इस बंदर को पकड़ लेते हैं, फिर विचार करते हैं कि आगे करना क्या है हमें। समझ गए ना? ठीक है, वही करेंगे। आपने हमें बुलाया? हाँ, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम लोगों के लिए एक रिश्ता आया है। पंडित जी ने बहुत सोच समझ के तुम लोगों के लिए ये रिश्ता यहाँ लाया है। मुक्तापुर की राजकुमारी मुक्तामाला जितनी सुंदर है वैसे ही उसका गुण है, लेकिन मतलब क्या पिताजी? लेकिन मुक्तापुर राज्य कहाँ है ये हम में से कोई नहीं जानता है। सुना है किसी समुद्र की गहराई के नीचे बसा हुआ है ये राज्य। राजकुमारी का ये शर्त है कि जो सबसे पहले उस शहर में जाके राजकुमारी के बाल में लाल गुलाब लगा देगा, राजकुमारी उसे ही अपना पति स्वीकार करेगी। अब तुम दोनों में से कौन जाएगा ये फैसला कर लो। तुम दोनों में से जो भी ये कार्य को पूर्ण करेगा वो इस राज्य का राजा बनेगा। ठीक है, मैं अभी निकल जाता हूँ। मैं भी निकल जाता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुक्तावाला मेरी ही पत्नी बनेगी। सागर में तो पहुंच गया, पर मुक्तानगर कहां पर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहां जाऊं अभी? अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ! अरे, आखिर भैया पानी में कैसे गिर गए? अच्छा,
ये तो मुक्तापुर जाने का रास्ता तो है ही नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन हमें तो वहाँ जाना ही होगा। हाँ अरे ये क्या, ये तो दोनों ही पानी में बह गए। हाँ मुझे भी वही जाना होगा। अरे रे रे, ये मैं कहाँ आ गया? यही मुक्तापुर है क्या? वाह ये कितना सुंदर है ये राज्य। और आप लोग कौन है? हम मुक्ता नगर के सिपाही हैं। तुम यहाँ पर क्यों आए हो बोलो, नहीं तो हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। नहीं मतलब क्यों, मुझे क्यों बंदी? ये यहाँ का नियम है, चलो। कैसे भी हो मुझे इस जेल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हाँ बाहर निकलना ही होगा। एक, उट, उट, अरे उट, रे बंदर उठना, क्या हुआ ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे मर तो नहीं गया ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मर गया है ये। चल 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 इसे फेंक के आते हैं। मेरा उपाय काम आया। अब मुझे असली काम करना पड़ेगा। अरे वो तो राजकुमारी मुक्तामाला है। हाँ ये तो वही है, कितनी सुंदर है। आह ये क्या, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैंने तुम्हारे बाल में गुलाब फूल लगाया है। अब बताओ हुआ ना तुम्हारा पति? हाँ ये बात तो सही है, यही थी मेरी शर्त। इस शर्त के हिसाब से आप ही मेरे पति हो, मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। ये क्या, आप तो इंसान नहीं थे ना? सही बोला आपने, आपने ही मुझे इंसानी रूप दिया। इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूँ आपको। मैं हूँ प्रतापगढ़ का मझला राजकुमार। मेरी माँ अर्थात मझली रानी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बाकी दो रानियों के कहने पर महाराज ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। उसके बाद जंगल में एक साधु की जड़ी बूटी से माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन बंदर के रूप में। साधु बाबा ने बोला था जिस दिन कोई औरत मुझे अपना पति स्वीकार करेगी उस दिन मैं इंसान बन जाऊंगा। तुम्हारी वजह से मैं इंसान बन गया। राजकुमारी मैं आपका कर्जदार हूँ। नहीं नहीं ऐसे मत बोलिए, आप हमारे पति हैं। चलिए राजकुमार आप हमें अपने राज्य में ले चलिए। बिल्कुल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेरे दोनों भाई यहाँ आए हैं उन्हें आपके सिपाहियों ने बंदी बना लिया है, उन्हें आजाद कर दीजिए, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से। ठीक है वही होगा। सिपाही तुम मेरे बेटे हो, मेरे मझले बेटे। हाँ पिताजी मैं आप ही का बेटा हूँ, आपने मेरी माँ को इस महल से निकाल दिया था ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। हाय 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 भाग्य ने क्या करवट बदला, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की मैंने। मेरी रानी कहाँ है, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो यहीं पे है पिताजी। यहाँ? हाँ आपके भगा देने के बाद भी वो सिर्फ आपको देखने के लिए यहीं रुकी थी। वो देखिए वही है मेरी माँ। रानी तू, रानी तू मुझे माफ कर दो रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रानी, मुझे माफ कर दो रानी। आप हमारे पति हैं, हमसे माफी मांगकर हमें छोटा मत कीजिए, समय सबका जवाब दे देता है। बिल्कुल सही बोला तुमने, समय ने ही मुझे इस राज्य का उत्तराधिकार दे दिया, यही मेरा मझला बेटा इस राज्य का राजा बनेगा, यही बनेगा। जय मझले राजकुमार की जय। जय मछली राजकुमार की जय। समय सबका जवाब दे देता है। प्रतापगढ़ को जैसे अपना सही उत्तराधिकारी मिल गया था, वैसे ही भानु सिंह और बीर सिंह के स्वभाव में भी बदल आ गया था। कारागार से बाहर आने के बाद जिंदगी का असली मतलब उन्हें समझ आ गया था। अब तीनों रानियां भी मिलजुल कर रहने लगी थी। राजा के मन में और पूरे राज्य में शांति का माहौल बन गया था।